Welcome to 30 mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 mein 30. सिद्धार्थ मल्होत्रा को कल एक फुटबॉल इवेंट को सपोर्ट करते हुए देखा गया. स्लम सॉकर नाम के इस इवेंट के लिए सिड भी अपने स्पोर्टिंग अटायर में नजर आए और इस स्पोर्ट को प्रमोट करते हुए दिखे. मैं वही एक्चुअली सर से बात कर रहा था कि इतना अमेजिंग है व्हेन दे गेट कोच. यहाँ पे जो कोचिंग मिलती है आपको, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप वो स्किल अक्वायर कर सकते हैं. एंड वी नेवर नो, वी माइट गेट सम ग्रेट इंडियन फुटबॉलर्स हियर, व्हिच इज अगेन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सर के थ्रू. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देम टू प्ले एंड कीप रिहर्सिंग एंड प्ले फॉर आवर कंट्री वन डे. 30 में 30. शाहिद कपूर ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी आने वाली फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया जिसमें वो नवाब के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं. शाहिद का ये सॉइल्ड लुक लोग काफी पसंद कर रहे हैं. 30 में 30. शाहरुख खान और उनके सन अब्राम की जोड़ी तो है सुपरहिट विद हिज फैंस एंड दोनों फिर से एक साथ स्पॉट किए गए स्पेंडिंग टाइम एट द जुहू बीच. दरअसल एसआरके ने अपने ट्विटर पर एक पिक शेयर किया जिसमें वो और अब्राम लेट नाइट वॉक के लिए निकले और साथ में सैंड कैसल्स भी बनाए. लगता है एसआरके के लिए भी एक इमोशनल मोमेंट था जिसके चलते उन्होंने इस मोमेंट को एक पोएट्रिक अंदाज में डिस्क्राइब किया. 30 में 30. सोनाक्षी सिन्हा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो सबको वैलेंटाइंस डे विश करती नजर आ रही हैं. लव कोटेड ड्रेस में लव सिंबल बनाते हुए सोनाक्षी ने लव ऑल हाई स्टेटस लिखा है. शी राइट्स, वेल देन हैप्पी वैलेंटाइंस डे, होप एवरीवन गेट्स द लव दे डिजर्व टुडे एंड एवरी डे. 30 में 30. कृति सानन को लेट नाइट दुबई से मुंबई आते हुए स्पॉट किया गया. मुंबई एयरपोर्ट पर रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि उनके वैलेंटाइंस डे प्लान्स क्या हैं, तो उन्होंने सिर्फ रेस्ट करने का मन बताया. साथ ही कृति ने कहा खुद को सिंगल. तो मैं आई हूँ, आई ट्रैवल सो मच, आई एम रियली टायर्ड, आई थिंक आई एम गोना स्लीप द होल वैलेंटाइंस डे प्रोबब्ली. सो कैन वी शूट कृति सिंगल दिस वैलेंटाइंस डे? ऑफ कोर्स आई एम सिंगल, आई हैव ऑलवेज सेड दैट. 30 में 30. वैलेंटाइंस डे के दिन सुशांत ने किया एक सरप्राइजिंग रेवलेशन. अपने टी शर्ट के जरिए सुशांत ने कन्वे किया दैट ही स्टिल सिंगल. सरप्राइजिंग इजंट इट? रिपोर्ट्स की माने तो देयर वाज समथिंग ब्रूइंग बिटवीन सुशांत एंड कृति, बट लगता है सुशांत ने अपने क्रिएटिव अंदाज में उन सब रूमर्स को क्वॉश कर दिया. 30 में 30. लेटर ऑन द शो, क्या करीना ने बॉलीवुड मामास को किया टारगेट? देर रात वरुण धवन को एक डबिंग स्टूडियो से बाहर निकलते हुए देखा गया जहां वो बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए पैच वर्क करके निकलते हुए नजर आए. उन्होंने बताया कि इस साल की अपनी पहली फिल्म के कारण वो फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं. 30 में 30. कंगना और ऋतिक के बीच की टिफ इज ओल्ड न्यूज, पर कंगना ने फिर से किया है इस कंट्रोवर्सी को रेन्यू. हाल ही में कंगना ने कहा कि उनके सारे एक्सेस उनके साथ वापस आना चाहते हैं, पर ये तो साफ है कि कंगना का इशारा किस तरफ था. कंगना ने बुलाया था ऋतिक को एक सिली एक्स, तो क्यों कर रही है कंगना एक पुराने कॉन्ट्रोवर्सी को फिर से शुरू? क्या अपनी अपकमिंग फिल्म रंगून के लिए कंगना वॉन्ट्स टू बी इन द न्यूज? 30 में 30. मलाइका अरोरा की मैरिज में चल रहे उथल पुथल के बाद वैलेंटाइंस डे को वो अब ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं. मलाइका से जब पूछा गया कि उनके वैलेंटाइंस डे पर क्या प्लान्स हैं, तो उन्होंने दिया स्टर्न जवाब. जी नहीं, मुझे वैलेंटाइंस डे इज जस्ट अनदर डे फॉर मी. थैंक यू. 30 में 30.
शाहिद कपूर चाहते हैं कि मीशा एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह लाइफ एंजॉय करे। दरअसल शाहिद ने मीशा की बर्थ के बाद से ही उसे कैमरास की नजरों से बचा कर रखा था, लेकिन रिसेंटली जब उन्होंने मीशा की एक ऑफिशियल पिक्चर पोस्ट की तो शाहिद से पूछा गया कि क्यों वो रिलक्टेंट है टू इंट्रोड्यूस हिज बेबी टू द वर्ल्ड, जिसका जवाब देते हुए शाहिद ने तुरंत कह दिया दैट आई जस्ट होप दैट मीशा कैन बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल, और यही एक विश है जो शाहिद अपनी लिटिल डॉटर के लिए करते हैं ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर सके। 30 में 30। शाहरुख खान बाहुबली में प्ले कर सकते हैं पीस मेकर का रोल। सुनने में आया है कि बाहुबली के मेकर्स ने शाहरुख को प्रोटैगनिस्ट प्रभास और विलन राणा दग्गुबाट्टी के बीच मीडिएटर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए अप्रोच किया है। आपको बता दें ये पहली बार होगा जब अपने 25 इयर्स के करियर में शाहरुख 3 लैंग्वेजेस में फिल्म की डबिंग करेंगे। 30 में 30। करण जौहर ने कल रात अपने घर पर एक पार्टी रखी और वहां टीवी और फिल्म से बहुत सारे स्टार्स नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत, तबू, तुषार कपूर से लेकर हर्षवर्धन कपूर, अभय देओल, राणा दग्गुबाट्टी, श्रद्धा कपूर भी करण के घर जाते हुए नजर आए। इन लोगों के अलावा भी वहां बहुत सारे स्टार्स थे जो लेट नाइट तक वहां पार्टी करते दिखे। 30 में 30। अकी की फिल्म जॉली LLB 2 ने फर्स्ट ही वीकेंड पर करीब 50 करोड़ की कमाई कर ली है। कहा जा रहा है कि इसी के साथ अकी की फिल्म इज नाउ द बिगेस्ट फेब्रुअरी ओपनर इन बॉलीवुड। आपको बता दें कि इस फिल्म में अकी के साथ हुमा कुरैशी हैं और ये 2013 में आई फिल्म जॉली LLB का सीक्वल है। 30 में 30। आलिया ने वैलेंटाइंस डे के ओकेजन पर अपनी लव लाइफ के बारे में बात की। आलिया ने कहा कि रिलेशनशिप में दो पार्टनर्स को इक्वल होना चाहिए। आलिया को लगता है एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से कम होने की जरूरत नहीं है। वहीं वरुण ने तो आलिया को एक टी गिफ्ट करने की बात कही, लेकिन तब जब वो उनकी वैलेंटाइन बनेंगी। खैर, लेकिन रियल लाइफ में सिद्धार्थ के साथ अपने रिलेशनशिप स्टेटस को हाइड करने वाली आलिया का मानना है कि वो रियल में है काफी रोमांटिक। 30 में 30। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को रिसेंटली हमने स्पॉट किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां दीपिका नजर आई अपने ओ सो कूल अंदाज में, और यहां कुछ फैंस के साथ दीपिका ने क्लिक किए पिक्चर्स भी। 30 में 30। वरुण आलिया ने कल शाम कुछ खास अंदाज में किया वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट, और ये पिक्चर सबूत है इस बात का। वरुण आलिया ने एक दूसरे की कंपनी को किया खूब एंजॉय। 30 में 30। सोहेल खान अभी भी फिल्म शेर खान पर काम करना चाहते हैं, और कहा जा रहा है कि सलमान खान की डेट्स ना मिल पाने के बाद अब सोहेल टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन का नाम अपनी फिल्म के लिए कंसिडर कर रहे हैं। 30 में 30। करीना कपूर खान ने दिया है बोल्ड बयान। करीना का कहना है कि मॉम बनने का ये मतलब नहीं होता कि आपको सिर्फ घर पर रहना होता है। करीना ने यहाँ कहीं ना कहीं उन एक्ट्रेसेस पर टॉन्ट किया है जो प्रेगनेंसी के बाद लंबी लीव पर चली जाती हैं। 30 में 30। रिसेंटली करण जौहर के चैट शो में जब वरुण धवन से पूछा गया कि सिद्धार्थ के पास ऐसा क्या है जो वरुण के पास नहीं है, तो इसके जवाब में वरुण ने सिर्फ आलिया की तरफ देखा। जब सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछा गया कि वरुण ने आलिया को क्यों ऐसे देखा, तो सिद्धार्थ ने इनोसेंट एक्ट प्ले किया और हो गए डिप्लोमैटिक। पता नहीं, मैं भी सोच रहा था क्यों देखा उसने आलिया की तरफ। आई एम वेरी पजल्ड। 30 में 30।
बिपाशा करण ने भले ही एक दूसरे से शादी कर ली है, लेकिन जब इस कपल से वैलेंटाइंस डे के बारे में इनके थॉट्स पूछे गए तो बिप्स ने जहां कहा कि उन्हें ये डे बहुत पसंद है क्योंकि उन्हें तो बस सेलिब्रेशन का बहाना चाहिए और यही एक दिन है जब वो अपने प्यार के बारे में दुनिया के सामने खुलकर बात कर सकती हैं। वहीं करण पहले इस डे में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन बिप्स के उनकी लाइफ में आने के बाद सब कुछ बदल गया। 30 में 30। कमिंग अप ऑन द शो, एमी जैक्सन की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो गई हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का मानना है कि वुमेन को चेज करने के बजाय उन्हें चार्म करना चाहिए। अपने वैलेंटाइंस डे स्पेशल इंटरव्यू में सिड ने अपनी लव लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें रिवील की और बताया कि जब वो 11th स्टैंडर्ड में थे तब उन्होंने पहली बार किसी लड़की को डेट किया था। वैसे उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी पहली किस क्लास 9th या 10th में की थी। 30 में 30। लेट नाइट जैकलीन फर्नांडिस को एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा गया जहां वो किसी मीटिंग और डिनर के लिए गई होंगी। जब उनसे वैलेंटाइंस डे के लिए पूछा गया तो जैकलीन ने कहा कि वो ये दिन अपनी टीम के साथ मनाएंगी। 30 में 30। अक्की की फिल्म बेबी के प्रीक्वल नाम शबाना में अक्की एक्सटेंडेड कैमियो कर रहे हैं। ऐसे में जब नाम शबाना की लीड एक्ट्रेस तापसी से अक्षय के कैमियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिल्म में ये रोल रिवर्सल उन्हें अच्छा लग रहा है। साथ ही अक्की की तारीफ भी की कि वो फिल्म को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेबी में तापसी का पार्ट काफी कम था। 30 में 30। एमी जैक्सन की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो गई हैं। एमी का कहना है कि उनका फोन हैक हो गया था और हैकर ने ही उनके फोन से उनकी कुछ पर्सनल पिक्चर्स लीक की हैं। इस बात की कंप्लेंट एमी लंदन के साइबर क्राइम सेल में करने वाली हैं। 30 में 30। वरुण और आलिया के सॉन्ग तम्मा तम्मा में इन्होंने संजय दत्त और माधुरी के डांस को रिक्रिएट किया है और जब उनके सॉन्ग लॉन्च पर आलिया से पूछा गया कि क्या आलिया खुद को माधुरी से कंपेयर होने पर डरती हैं, तो देखिए आलिया का रिस्पॉन्स। दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टेप इनटू हर शूज बिकॉज दैट इज टोटली इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली बहुत, इनफैक्ट जब हम गए थे उनको दिखाने के लिए मैं ऐसे बैठी थी वहाँ पे, बट आई वॉज सो नर्वस क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। एंड वरुण वाज सेइंग यू नो आलिया आई वांट टू टेक अ वीडियो ऑफ माधुरी जी, बट लुकिंग एट यू आई जस्ट वांट टू टेक अ वीडियो ऑफ योर एक्सप्रेशन राइट नाउ। मतलब माधुरी मैम ऐसे देख रही थी और आलिया माधुरी मैम को देख। 30 में 30। तमन्ना भाटिया को एक मैगजीन इवेंट पर स्पॉट किया गया जहां शी वाज लुकिंग रैविशिंग इन हर ब्लैक टॉप एंड जीन्स। उस इवेंट पर तमन्ना यंग एस्पिरेंट्स को एक्सपीरियंस शेयर करने पहुंची थी और बाकी भी वो हमेशा अपने पर्सनल से ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही कहीं दिखती हैं। काम ज्यादा और पार्टी कम, क्या ये इमेज बना रही है तमन्ना? It's not something I've really tried to project. It's just so that I'm working most of the times. एंड इनफैक्ट आज भी मैं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पर यहाँ पर आखिरी में मैं ग्रासिया पे पहुँची हूँ। सो माई डे हैज बीन प्रीटी हेक्टिक। आई हैव कम इन फ्रॉम कोचीन, आई वाज शूटिंग फॉर अनदर मैगजीन एंड नाउ आई एम हियर। 30 में 30। ऋचा चड्डा सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से हो गई काफी गुस्सा। वेल, ऋचा को जयपुर में एक इवेंट के लिए जाना था। जाने से पहले ऋचा ने ऑर्गेनाइजर से बोल दिया था कि उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद ऋचा के कहने के बाद भी ऑर्गेनाइजर्स ने ऋचा की बात को सीरियसली नहीं लिया और जब ऋचा चड्डा वहाँ पहुँची तो उन्हें देख कर वहाँ का क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सिचुएशन काफी केओटिक हो गई, जिसके बाद ऋचा को काफी गुस्सा आया। 30 में 30।
रियल लाइफ संजय दत्त और रियल लाइफ संजय दत्त ने किया एक पिक्चर क्लिक टुगेदर, और इस पिक से एक बात तो साफ है कि रणबीर का एफर्ट टू लुक लाइक संजय दत्त इज पेइंग ऑफ। दरअसल रणबीर कर रहे हैं संजू बाबा के रोल को रिप्राइज इन इस बायोपिक, और उन्होंने पुट ऑन किया है 13 किलोस टू गेट बीफ्ड अप लाइक द मुन्ना भाई। वी मस्ट से जॉब वेल डन रणबीर। 30 में 30। मान्यता दत्त और उनकी स्टेप डॉटर त्रिशाला दत्त ने किया एक साथ पोज फॉर अ पिक्चर, और इसी के साथ उन्होंने अपने आपस की प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट्स को कर दिया क्वॉश। रिपोर्टेडली त्रिशाला नहीं थी अपने डैड संजय दत्त के डिसीजन से खुश टू रीमैरी, और इसकी वजह से उनकी और मान्यता के बीच थी प्रॉब्लम्स, बट लगता है अब दोनों ने कर लिया है एक दूसरे के साथ पैच अप एंड द दत्त फैमिली इज रीयूनाइटेड। 30 में 30। अभिषेक बच्चन ने फाइनली अपनी नेक्स्ट फिल्म साइन कर ली है। सोर्सेज की माने तो अभिषेक निशिकांत कामत की नेक्स्ट फिल्म में एक डार्क लवर का रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म के लिए अभिषेक बच्चन ने ऑलरेडी प्रेपरेशन शुरू कर दी है।